लिए जिज्ञास हुआ हूँ। आज मैं आपके समक्ष दिनांक 2 अगस्त से 8 अगस्त के मध्य आने वाले सप्ताह का मेष राशि वालों के लिए राशि भविष्य वर्णन करने जा रहा हूँ। मेष राशि वालों के लिए ग्रह गोचर इस सप्ताह में कैसे रहेंगे वो दर्शा रहा हूँ। गुरु और शनि दोनों ही ग्रह धनु राशि पर रहेंगे। धनु राशि पर गुरु अपनी स्वयं की राशि पर आने से एकदम मंगलमय कार्य दर्शाते हैं। जो देश में भयावह स्थिति चल रही है, बीमारी से संबंधित जो भयावह स्थिति चल रही है, गुरु अपनी राशि पे आकर के और समाधान बनाने का कोशिश करें। गुरु यानी ज्ञान का कारक गुरु हैं। ये गुरु 1 अगस्त से जब धनु राशि पर प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसे तो 18 जुलाई को हो चुके हैं, लेकिन शनि के साथ आ जाएंगे तो परिणाम यह होगा कि ये रोगाणु जो फैल रहे हैं, इस रोगाणु में भी तो प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा कम होते जाएगा। यानी यहाँ से वैक्सीन मिल जाएगा, दवाई मिल जाएगी या कुछ न कुछ उपाय शुरू हो जाएंगे, जो भयावह स्थिति आज जो चल रही है वो नहीं रहेगी। मेष राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी? मेष राशि वालों के लिए गुरु और शनि दोनों भाग्य स्थान पर चलेंगे, तो भाग्य का विकास कराने वाले होते हैं। साथ साथ में व्यक्तित्व में सुधार होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा मेष राशि वालों का, और उनके पराक्रम यानी मेहनत रंग लाएगी, उनकी मेहनत का प्रतिफल अच्छा मिलेगा। छोटे भाई बहनों के लिए एक आदर्श बनेंगे और संतान के लिए तो मंगलमयकारी है। जो पढ़ाई लिखाई में तत्पर हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बहुत ही स्वर्ण अवसर है। अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे कॉलेज बनेंगे, अच्छा व्यवस्था होगी। और अपनी संतान के लिए माता पिता एकदम सुखद वातावरण महसूस करेंगे। ये गुरु महाराज का प्रभाव इस राशि वालों के लिए रहेगा। तृतीय स्थान पर राहुदेव चल रहे हैं। ये राहुदेव तृतीय स्थान पर और शुक्र तीसरे स्थान पर हैं। अब राहु क्या करेंगे? तृतीय स्थान पर राहु रोग नष्ट करने वाले हैं और शत्रुओं का भी विनाश करने वाले हैं, लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं राहुदेव। और शुक्र तीसरे स्थान पर जो कला क्षेत्र में लगे लोग हैं, कलात्मक कार्य में लगे हैं, तत्पर हैं, जो आर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक उन्नति का समय है, भाग्य वृद्धि का समय है। अच्छा शुभ अवसर मिलेंगे, उनको लाभान्वित होने का, पुरस्कृत होने का अवसर प्राप्त होगा। और मंगल देव जो है तो आपकी राशि से बाद में हैं, ये खर्च में अपव्यय तो करा ही रहे हैं और विशेष अपव्यय कराएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट आदि में आपका मन ज़्यादा लगेगा, इसमें जो है सो सावधान रहना है, इसमें नुकसान ही होगा। आप बहिर्मुखी प्रवृत्ति रहेगी, आपको जो बाहर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। साथ साथ में मंगल देव रोग शत्रु का विनाश करने वाले भी रहेंगे और पत्नी के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकते हैं, स्वभाव को भी बिगाड़ सकते हैं। मंगल देव ऐसा कार्य करने जा रहे हैं। और शनिदेव जो है सो कर्म क्षेत्र जब भाग्य में पहुँचेंगे तो लाभ में हानि करने वाले होंगे। आपको आने वाला जो लाभ है, होने वाला जो लाभ है, उसमें अवरोधक हैं। और साथ साथ में छोटे भाई बहनों का उस स्वास्थ्य संबंधी स्वरूप जरूर ध्यान रखना है, उसमें परेशानी कर सकते हैं। रोग और शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। मामा से तकरार हो सकती है, मामा के स्वभाव में गड़बड़ी हो सकती है, इस प्रकार से। और मेष राशि वालों के लिए जो प्रथम दिन जो है 2 तारीख और 3 तारीख मंगलमय रहेगा, इसमें कुछ शुभ अवसर यानी प्रारंभ में जो सप्ताह का है वो बड़ा सुखद रहेगा। और सुखद का सप्ताह का जो अंत है 7-8 तारीख जो अंत है वो थोड़ा सा परेशानीपूर्ण रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।